रुदन करता है तो परमात्मा भी उनको याद करते हैं, याद करते हैं। भक्ति में अश्रु ऐसे नहीं आते, भक्ति में अश्रु ऐसे नहीं आते, वो उनकी कृपा होती है। दिल जब भर आता है तो नेत्र से निकलने लगता है, नेत्र से निकलने लगता है। अब जो ज्ञानी जो भक्त नहीं होता वो बाचाल होता है, बहुत ज्यादा बोलता है, बहुत ज्यादा बोलता है। एक आदमी था और वो कहीं से दीक्षा ले लिया निराकार ब्रह्म का, तो बोला करके कि अब हम किसी को प्रणाम नहीं करते। प्रणाम क्या करना, जब से मुझे ज्ञान हुआ तो प्रणाम नहीं करते। तो बोलना पड़ा कि अच्छा था कि तू ज्ञानी नहीं था, ज्ञानी नहीं था। अगर आप अपने आप को निराकार समझते हो तो निराकार ब्रह्म का तुम उपासना करो। अगर लेकिन मैं तो देखता हूं कि बहुत सारे अभी चले हुए हैं मार्केट में बाबा लोग और देवता लोग भी आए हुए हैं, तो हाँ भाई हम निराकार को मानते हैं। अगर उनको बोल दीजिए नीचे बैठने के लिए कुर्सी नहीं दीजिए तो तुरंत पता चल जाए। निराकार को मानने वाला खुद अपने आप को निराकार समझता है। तो ये आजकल का है, सच्चाई है। मैं उस बहस पर नहीं पढ़ना पा चाहता। भगवान एक सीढ़ी लगा के रखते हैं, एक सीढ़ी लगा के रखते हैं। सीढ़ी में दो पाया और कहे कि जो इस सीढ़ी से ऊपर आ जाएगा वो हमें पा लेगा, वो हमें पा लेगा। सीढ़ी क्या है, एक नाम का सीढ़ी है, एक रूप का सीढ़ी है। तो कई एक लोग जो है उस सीढ़ी पर से ऊपर गए और परमात्मा को पा लिया। कई एक लोग ये सोचने लगे और परमात्मा से प्रश्न किए कि भगवान ये जो सीढ़ी है ये केवल चढ़ने के ही काम आती है, जो सीढ़ी है वो चढ़ने के ही काम आती है या उतरने का। तो भगवान बोले उतरने का भी काम आती है। तो किसी ने कह दिया कि भगवान हमें क्यों चढ़ाते हो, तुम भी उतर के आ जाओ, तुम भी उतर के आ जाओ। भक्त की बात है, वही भगवान उतर करके आ जाते हैं और साकार रूप में हम लोगों को दर्शन दे देते हैं। उतर के चले आए वो, आप गए तो वहां मिल लिए और वो यहां आए तो हम लोग मिल लिए। तो ये बोले कि भावनाओं में आपकी आप ईश्वर है, भावनाओं में आपको बनना नहीं चाहिए। बोले भैया तो किसी तरह जाकर के उन लोगों को चुप करा दे, हम भी चुप हो जाए। तो बोले कि हम वहां जाएंगे तो मेरी बात को कौन समझेगा, ऐसा कहीं का आदमी आपको मिल जाएंगे। सीधे बोलेंगे हम तो इतना पढ़े लिखे हुए हैं मेरी बात को कोई समझ ही नहीं पाएगा। अरे तू पढ़ा क्या जो समझा नहीं सकता, तू पढ़ा क्या है जो समझाने में दिक्कत हो रही है। और बोले कि वो लोग तो अनपढ़ गवार हैं, ओ मेरी बात कितना देर आप कहते हैं गोविंद तो हम जाते हैं, लेकिन हम वहां पे एक दो घंटा से ज्यादा रुक नहीं पाएंगे। बोले ठीक है, तुम्हारे लिए कुछ मदद करूं तो हो सके तो गोपियों के नाम का एक पत्र लिख लो,
गोपियों का नाम से एक पत्र लिख दो। बोले ठीक है, गोविंद पत्र लिखे सबके नाम से और उधव जाने को तैयार हुए। तो गोविंद ने अपनी पीताम्बरी दिए पहनने को और काली कमरिया दिए। बोले गोविंद ये क्यों? बोले अगर ये धारण किए हुए रहोगे तभी मेरी गोपियां जो है आपसे वार्ता भी कर पाएंगी। बोले ऐसा? बोले हाँ ऐसा। अब उस चले इधर वृंदावन का जो सीमा था वहां पे प्रत्येक दिवस ग्वाल बाल आकर के उनका प्रतीक्षा करते थे, आके बैठते थे, दिन भर इंतजार करते थे कि गोविंद आएगा गोविंद आएगा। और संध्या में जाकर के बोलता था यशोदा मैया आज भी तुम्हारा नहीं आया, गोविंद नहीं आया। आज देखते हैं एक सखा कि एक रथ आ रहा है, दूर से लगा कि गोविंद आ रहे हैं, पीताम्बरी अवकारी कमरिया है। तो सखाओं ने कहा कि चलो मुख्य मार्ग पे चलते हैं, लेकिन उनकी एक सखा मनसुखा है वो कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा मैं नहीं जाऊंगा मैं। तो बोले रोज तू आकर के ताकता है और आज आ रहा है गोविंद, तो बोलते मिलने नहीं जाऊंगा। तो बोला कि जाओ तुम लोग और कह देना गोविंद को कि मैं उससे रूठ गया हूं, अगर वो वचन देगा कि अब मैं वृंदावन छोड़कर नहीं जाऊंगा तब मुझे बुलाने आना और तब जाके हम गोविंद से मिलेंगे। संकल्प लेकर के बैठ गया मनसुख, रथ करीब आ रहा था, रथ करीब आ रहा था, सभी लोग मार्ग पे खड़ा हो गए। तो एक ने देखा कि मनसुखा सबसे आगे आकर खड़ा है। बोला अभी तो तू संकल्प कर रहा था। बोला वो तो मैं बाद में भी कर लूंगा, लेकिन कम से कम एक बार गोविंद को देख तो लू, देख तो लू। उधव जी देख रहे हैं दूर में ढेर सारे बालक रास्ते पे खड़ा है, लेकिन इन बालकों को लगा कि रथ में मेरा गोविंद नहीं है, रथ में मेरा गोविंद नहीं है। तो वो लोग फिर जो है रास्ता छोड़ करके जहां पे बैठे हुए थे उधर को जाने लगे। तो उधर को बड़ा अटपटा लगा, हम इतने बड़े विद्वान आ रहे हैं और हमको देख करके सब किनारे हो गए। सच्चाई यह है विद्वान तो होना चाहिए, लेकिन मुकुट विद्वान का नहीं भक्ति का होना चाहिए। विद्वता के मुकुट में आप अपमानित होंगे। देखिए विद्वता का मुकुट लगाने का मतलब है कि जीव अहंकारी हो चुका है, और भक्त जो होता है विनम्र होता है, उसमें अहंकार नहीं होता, और जिसमें अहंकार नहीं होता उसी का सर्वत्र पूजन और अभिवादन होता है, जिसमें अहंकार नहीं होता। अहंकार का एक भी तत्व अगर आप में है तो आप इस जगत में अपमानित ही होंगे। एक भी तत्व अहंकार का है, धन का अहंकार है तो निर्धन अपमान करेंगे आपको, विद्या का अहंकार है तो पढ़े लिखे हुए लोग ही करेंगे आपका, क्योंकि अहंकार जो है इस जगत से जीव को अलग कर देता है। मैं एक व्यक्ति का स्मरण आ गया, उस व्यक्ति की नौकरी लगी थी,
अनोखी कैसे लगी? उसके पिताजी गुजर गए और गुजरने के बाद में जो अनुकंपा पे नौकरी होती है तो उसे लग गया और अच्छा पोस्ट भी लगा, खूब माल कमाया, अच्छा बिल्डिंग बना लिया। अब उसने सर पे रखा कि भाई, अपने भाई को बोला कि अगर आना है तो साइकिल से नहीं, मोटरसाइकिल से आना, पैदल भी नहीं आना, आना है तो मोटरसाइकिल से आना। यानी वो जगत को दिखाना चाहता है कि हम इतने बड़े हैं कि मेरे यहां से मोटरसाइकिल से ही आना। और वैसे पात्र को मैं देखा हूं, मैंने जो देखा है वही बता रहा है। तो क्या हुआ, वो उसको भाई को ही बुरा लगा, कहां से ला रहे हो मोटरसाइकिल भाई? तो अहंकार का कोई भी अवयव आपके साथ है तो जगत में आप सिर्फ और सिर्फ अपमानित होते रहेंगे। हाँ, कुछ चापलूस लोग आपकी चापलूसी करेंगे लेकिन वो भी पीछे बोलेंगे कि सबसे बड़ा मूर्ख है, और मूर्ख बनाना भी अपमानित ही करना होगा। एक ज्ञानी ज्ञान का अहंकार इसे बोला नहीं, हमसे मिले तो घर चला गया। गोविंद का बात स्मरण में आया कि सभी गोविंद को इतना मानते हैं कि गोविंद के अलावा और किसी को समझते हैं। उन्होंने रोका, अरे भैया जरा ठहरो ठहरो। हाँ बोली, तो बोले मैं उठा, ठीक है, प्रणाम है आपको। मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि जब रथ दूर में था तो आप लोग आए और फिर चले गए। बोले हम तो सोचे कि रथ में गोविंद है तो फिर आप बिना देखे हुए एक ऐसे मान लिए कि गोविंद। बोले उधम जी, हमारे गोविंद में भेद दृष्टि नहीं था। अगर वो देखता कि मेरे सखा खड़े हैं तो रथ में बैठ के नहीं कूद करके दौड़ते हुए आ जाता, दौड़ते हुए तो आ जाता। अब तो इसकी अभिमान यही थे, धरी की धरी रह गई, मुझे नंद बाबा के घर जाना है। तो उन्होंने बताया कि ये जो पानी आप देख रहे हो ये नल का पानी नहीं है, इसे के सहारे चले जाओ जहां उद्गम स्थान है, जहां से ये पानी आ रहा है वो घर नंद का है। और ये नाली का पानी भी नहीं, गोपियां गोविंद के याद में वहां रुदन करती है, ये वही अश्रु है, ये आंसू है। उधम जी वहां से पैदल संध्या के समय नंद बाबा के भवन में पधार। नंद बाबा स्वागत किए, स्नान ध्यान करके बैठे, नाश्ता पानी हुआ और नंद बोलने लगे, मैया पूछना चाह रही, पूछो कि मेरा गोविंद कैसा है। चलो एक बात याद आ गई, आप लोग कभी सोचते होंगे कि नंद और यशोदा के पास गोविंद रहे क्यों? कुछ काल तक रहे उसके बाद चल गए, कभी मन में आता होगा। तो एक बात मैं बता दूं, मैं अक्सर कहता हूं कि भगवान से कुछ मांगो मत, और मांगोगे तो वो वही देंगे जो आपने मांगा है, और नहीं मांगेंगे मांगिएगा तो वो सब कुछ दे देंगे जो आपकी जरूरत है। भागवत में एक जगह पर परीक्षित पूछे कि नंदी और यशोदा के साथ गोविंद ऐसा क्यों किए? अगर गोविंद यहां गए हैं, वहां पर गए
तप के तपस्या के कारण वहां पे गए। तो सुखदेव कहते हैं कि पूर्व जन्म में नंद और यशोदा बहुत तप किए थे, गोविंद प्रकट हुए, मांग क्या चाहिए, तो उन्होंने गलती क्या कर दिए, मांगे कि गोविंद की दिव्य बाल लीला मेरे साथ घटित हो। तो जब उन्होंने बाल लीला का ही बात किए थे तो हमेशा बाल ही रहते क्या, वो उनको तो बड़ा भी होना था, और इसी कारण ऐसा दिक्कत उत्पन्न हुआ, ऐसा दिक्कत आया। नंद कहने लगे कि उधम जी, गोविंद ने कंस को मारा, उद्धार कर दिया उसका, और इस जगत को कंस के कष्ट से, कंस द्वारा जो कष्ट फैलाया गया था उससे उद्धार हुआ, हो गया जगत, तो सभी ने उनको अपना भगवान मान लिया। लेकिन वो तो मेरा इकलौता पुत्र है, मेरे लिए तो सिर्फ वही है। और उधम जी सब कहता है कि गोविंद मथुरा चला गया, लेकिन हमें तो हमेशा इसी ब्रज क्षेत्र में ही दर्शन देना पड़ता है, ब्रज क्षेत्र में ही दर्शन देता रहता है। और दो तीन उदाहरण बता दिए, चरणों में गिर गए उधम, नंद बाबा हम लोग प्रवचन करते हैं ईश्वर की सर्वव्यापकता, लेकिन अनुभव नहीं कर पाते हैं, और आप तो केवल अनुभव ही अनुभव करते हो कि प्रत्येक क्षण प्रत्येक जगह पे गोविंद विराजमान है, गोविंद विराजमान। मैया से रहा नहीं गया, मैया आई, प्रेम की मूर्ति है मैया, यशोदा मैया को देखा, दिव्य तेज को देखा, चरणों में शीश झुकाया, मैया बोली मेरा गोविंद कैसा है, मेरा गोविंद कैसा है। तो उन्होंने पत्र आगे बढ़ा दिया, पत्र को देखते रही, और देखते देखते कहती है, उद्धव ये पत्र विद्वानों के लिए है, मैं मां हूं, अनपढ़ हूं, ग्वाल हूं, पढ़ के सुना भैया, पढ़ के सुना। और गोविंद जो है, जो घटना मथुरा में घटती है उसका उन्होंने वर्णन किया है, मैया तेरा लाला यहां पे बहुत ही कष्ट पा रहा है, कोई माखन मिश्री के लिए नहीं पूछता, तो कितनी अच्छी थी मैया कि गोपियां उड़ाने देने आती थी तो तुम अपने आंचल में छुपा लेती थी, बड़ा याद आता है मैया। और इन प्रश्नों को सुन करके मैया रोने लगती है और माखन मिश्री की कथा को सुनाती है। सवेरे हो गया, यमुना तट पे गए हैं, गोपियां यमुना में अपने कर्म करने के लिए पधारी हैं, और उसी समय एक भंवरा आता है, एक भंवरा, और भंवरा गोपियों के पास मंडराने लगता है, गोपियां भगाती है उसे और उलाहना देती है, अरे कपटी तू कृष्ण का मित्र है, वो भी काला तू भी काला, वो भी कपट करता है और तू भी कपट करता है, याद ला करके तुम्हारी और कृष्ण की आदत एक ही जैसे है,
तुम भी फूलों पे बैठते हो, मकरंद को चूसते हो, चले जाते हो। वो भी आया, प्रेम का पाठ पढ़ाया, अब प्रेम पूरा भी नहीं हुआ और छोड़ करके चला गया। हमसे तो ज्यादा सुखी वो मथुरा की नारी होगी, लेकिन बता दे तो अरे भबरे, वो मथुरा भी छोड़ के चल जाएगा। देखो अब भंवरा क्या समझ रहा है ये तो पता नहीं, लेकिन गोपी जो है कृष्ण समझ करके उससे बोले जा रही और ये उधर भी देख रहे हैं। एक गोपी आती है, वो इसी जन्म में नहीं, जन्म जन्म का कपटी है, जन्म जन्म का कपटी है। बाली ने क्या बिगाड़ा था उसका, जो छुप करके उसको मार मार दिया। सुखकथा ने क्या किया, वो तो शादी करने आई थी तो उसका नाक कान कटवा दिया, बहुत कपटी है वो। राजा बलि ने उसका क्या बिगाड़ा था, जो सब कुछ उसका लूट लिया, जन्म जन्म का कपटी है। तो एक गोपी कहती है, ऋषि ऐसा मत बोल, अगर ऐसा बोलेगी ए जाकर के गोविंद को बोलेगा तो गोविंद बड़े दुखी हो जाएंगे, गोविंद बहुत दुखी हो जाएंगे। तो वो गोपी जो है अपना आंचल को फैला देती है और कहते हे भबरा, हम जो कुछ भी बोले रूठ करके बोल रहे हैं, तुम गोविंद को मत बताना, दुखी हो जाएंगे, हम भी दुखी हैं, हम भी दुखी हैं, लेकिन एक पता करके वो कभी हम लोगों को याद करते हैं, और याद करने के नाम पे सभी गोपियां जो है रोने लगी गोविंद को याद करके। तो उधर बोले, अरे गोपियां तुम रोती क्यों हो, मैं कृष्ण का संदेश लेकर के आया हूं, संदेश लेकर के आया हूं। बोले करना क्या है, बोले करना यह है कि योग के माध्यम से मन को तुम एकाग्र करो, और एकाग्र मन से चिंतन करने पे मन का भटकाव जो है कम हो जाता है, और मन एकाग्र करके किसमें, निराकार ब्रह्म में लगाओ। निराकार ब्रह्म तुलसीदास जी के अनुसार, बिनु पद चल सुन बिनु बिनु पद चल निराकार ब्रह्म क्या है भाई, पैर नहीं है फिर भी चलता,
कान नहीं है फिर भी सुनता है, मुंह नहीं है फिर भी बोलता है। सोचने लगी कि ये कौन से भगवान की बात हो रही है, कौन से भगवान की बात हो रही है। तो ये बोलते हैं मेरा मन दस बीस नहीं है, एक ही है। मन न रहे दस बीस, एक हतो सो गयो श्याम संग, एक हतो सो गयो श्याम संग, अब को आराम इस। एक था जो गोविंद के साथ चला गया, अब किसकी तुम बात कर रहे हो। श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारा धन, आठ जाम धो में श्याम ही सुनाम है, श्याम ही है श्याम ही है, श्याम विनु ताहिते आग की सिला करी आधार श्याम नाम है, श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति, श्याम सुखदाई सो भलाई सो वादा है। उधो तुम देवार पाती लेके आए दौरे, एक कहा राखे हाँ रूम रूम श्याम है, रूम रूम श्याम है। मैं तुम्हारे योग को कहाँ रखूं, मेरे पास जगह ही नहीं है। और तुम किस ब्रह्म को कहते हो, उसका कान नहीं मुंह नहीं, अगर मुंह नहीं था तो माखन खाया कैसे, पाँव नहीं था तो चल करके मेरे पास आया कैसे। उधो ये जो ज्ञान चर्चा तुम्हारी है वो हमसे समझ में नहीं आ रही है। अब उधो को तो लगा कि मैं कहां फंस गया, कहां फंस गया। अब आज के जैसे थोड़े लोग हैं, कल साई भगवान को पूजेंगे, परसों शिव चर्चा करेंगे, अगला दिन सत्संग जाएंगे। तो वस्तुतः जितने भी शास्त्र पढ़ लीजिए जो ऋषि महात्मा ने हमारे लिए प्रकट किए हैं, उसमें सब जगह एक ही कहा गया कि कृष्ण के चरणों में भक्ति आ जाए तभी मुक्ति मिल सकता है, मुक्ति मिल सकता है। अब ज्यादा शास्त्रों के चक्कर में मत पड़ो, आप गीता के चक्कर में आओ, भागवत गीता। कृष्ण बोले हैं आप कई एक जगहों पे जो नए नए देवता बने हैं उन लोगों में हिम्मत नहीं है कि वो बोले कि मैं भगवान हूं। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन, मोहम्मद साहब, वो ये नहीं बोले कि हम भगवान हैं, हम तो उनका पैसेंजर हैं। ईसा मसीह क्या बोला, हम उनके पुत्र हैं, ये नहीं बोले कि हम भगवान हैं। लेकिन गीता उठा के देख लीजिए, कृष्ण बोले कि हम ही भगवान हैं, हम ही भगवान। तो जब एक मिल गए तो हमको दस बनाने की क्या जरूरत है। जो पुरातन काल से जो पुरातन पद्धति है उसे लेकर के आप चलेंगे तभी आप धर्म की सेवा कर पाएंगे, धर्म की सेवा कर पाएंगे। और नए नए पद्धति आपको भटकाएंगे और मन को कभी संतोष नहीं प्राप्त होगा कभी। आप कृष्ण की भक्तियों में
एक से एक उदाहरण पाए हैं, एक से एक उदाहरण है, गिनना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये जो चर्चाएं होती है उसमें कौन सा उदाहरण है? चर्चाओं में कोई उदाहरण नजर नहीं आता। एक मूर्खता का प्रदर्शन है। जब भगवान की यहां सभा लगी हुई है तो इन्हें छोड़ करके दूसरी जगह बैठ करके क्या करने का? जब ठाकुर जी देवी देवता इतने हैं, सब यहीं विराजमान हैं, तो किसके पास आप ढोलक और झाल बजा रहे हो? किसके पास? कि आप लोगों में से राधा रानी कौन? जब इतनी फरियत हो गई, राधा रानी कौन? तो बोले राधा रानी तो यहां पे नहीं है, राधा रानी यहां पे नहीं है। और जैसे ही बोलते मुझे राधा रानी का दर्शन करना है, चलो और जाते हैं, तो दूर से ही एक आवाज आता है, श्याम वो ही मेरा श्याम है, 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 नैना तेरे रारे Thank you.
पहुंचे तो देखते हैं कि राधिका रानी सहस्त्रों गोपियों के मन में बैठी हुई है और गोपियां अपनी कहानी बता रही हैं, अपनी कहानी जो स्वप्न में देखती है वो राधे को आकर बताती है। किसी ने राधा से पूछ लिया आप आओगे पीछे और बैठना चाहोगे आगे, ये तो आयोजकों का भल मानसता है कि आपको यहां तक पहुंचने देते हैं, यहां तक पहुंचने दे देते हैं, ये आयोजक दिव्य पात्र है इसलिए आपसे भेद नहीं करते, आप लोग यहां तक पहुंच जाते ये यही की कथा है जो ये क्योंकि छोटा जगह है इसलिए, और नहीं तो लगभग यहां से डेढ़ बांस दूर तक बांस बंधा हुआ रहता है। मैं बड़ा ही छोटा पात्र हूं लेकिन जिसकी मैं कथा कर रहा हूं ना वो सबका, तो आप कथा में आए हैं और कथा का नियम है कि प्रसन्न हृदय से आइए, ना आप स्वयं कष्ट से ही है ना दूसरे को कष्ट दीजिए, दूसरे को और सामने में आकर कर झंझट करेंगे तो कथा में व्यवधान लाने का दोष आपको लगेगा। राधे आग्रह समिति की ओर से है।